नीलमासन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज बताने वाली हूँ दोस्तों, जो समी प्लांट है और इसको आप जो देख रहे हैं इसके बारे में कुछ बात करूँगी। जो आप लोग समी प्लांट घर में लगाते हैं तो बोलते हैं कि मेरे से तो समी प्लांट लग ही नहीं रहा है, ग्रोथ बढ़ ही नहीं रहा है, तो उसके बारे में आज बात करूँगी दोस्तों कि समी प्लांट घर में रहना चाहिए या नहीं, और कैसे नहीं लगता है, कैसे अधिक से अधिक ग्रोथ बढ़ाए। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी दोस्तों। जैसे देख रहे हैं कि मेरे पास जो प्लांट है और कितना हेल्दी है और कितना स्वस्थ है, बहुत सुंदर है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँच पाए दोस्तों। जो भी कोई भी परेशानी रहती है तो आप कॉमेंट द्वारा भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसे देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पहले मैं ग्रोथ दिखा देती हूँ कि इनमें ग्रोथ कितना है। जैसे देखिए कि इनमें ग्रोथ कितना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ, लीव्स बिल्कुल ग्रीन और सुंदर है दोस्तों। और ये हार्डली प्लांट भी होता है, जो समीज प्लांट होता है, तो इसमें आपको गर्मी में बहुत ज़्यादा इसमें पत्ती आती है, और इसका जो फूल होता है दोस्तों और रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो असली समी प्लांट ऐसे ही होते हैं दोस्तों। जैसे देख लीजिए कि असली समी प्लांट कैसे होते हैं, और इसमें गुलाबी कलर का, ऑरेंज कलर का और वाइट कलर का तीनों मिक्स फूल आता है। तो समी प्लांट घर में रहना चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छा। धार्मिक रूप से देखिए तो बहुत अच्छा है, जो शंकर भगवान के बहुत प्रिय है। आप कुछ भी नहीं चढ़ा रहे हैं, समी पत्ता आप चढ़ा दीजिए, समी फूल चढ़ा दीजिए, तो आपका बहुत ज़्यादा इसमें पूजा का फल मिल जाता है, ऐसा मानता है दोस्तों। कि अगर 1000 आप फूल चढ़ा रहे हैं और 5 पत्ती आप चढ़ा दीजिए, 7 पत्ती समी पत्ता चढ़ा दीजिए, तो आपका उतना फूल के बराबर एक समी पत्ता रहता है। तो दोस्तों, समी पत्ता जो होता है, जो अगर समी प्लांट लगाते हैं तो आप सबसे अच्छा समय है आपका रेनी सीजन। आप बरसात में अच्छा तरह से इसको ग्रोथ कर सकते हैं, और इसके कलम भी आप उसी समय लगा सकते हैं, उस समय बहुत अच्छा तरह से आपको कलम भी लग जाती है। अभी का भी मौसम बहुत अच्छा है दोस्तों, लेकिन आप केयर थोड़ा ज़्यादा भी करना पड़ता है आपको। इसको कलम लगाते समय सुबह शाम इसको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी गर्मी पड़ रही है और लहर भी चलता है दोस्तों, तो ये सूखने का चांस हो जाता है। लेकिन प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा अभी फ़ायदा होता है। अगर आप अभी प्रूनिंग करते हैं, आप थोड़ा सा भी ब्रांच को कट करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इसमें आपका ग्रोथ आ जाएगी। तो आप लोग कैसे कहाँ पर गलती करते हैं मैं तो नहीं जानती दोस्तों, लेकिन मैं आप लोग को भी बताती हूँ कि अगर आप प्लांट लगा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मेरा प्लांट है, तो मैं क्या करती हूँ दोस्तों, ये मेरा प्लांट है तो इसको मैं देखिए बहुत ज़्यादा कट की थी, इधर से जैसे कलम लगाई थी इसमें ब्रांच आया, तो हल्का हल्का कट की हूँ। देखिए कि यहाँ कट की, यहाँ पर की हूँ तो यहाँ से लीफ्स आया, पत्ती आया, यहाँ करती हूँ तो यहाँ आया, तो इसी तरह से ब्रांच को मैं बढ़ाते ही रहती हूँ। मैं अपना प्लांट को इसी तरह से बढ़ाती हूँ, तो आप भी ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, आपको भी इसी तरह से करना है। अगर आप इसी तरह से कीजिएगा तो आपका देखिए नया नया लीफ्स कितना आया है, सगरो इधर भी आ गया। मैं यहाँ से कट की हूँ, देखिए तो यहाँ की, यहाँ पर कर दी थी, यहाँ ब्रांच आया, यहाँ आया, इधर इधर चारों पट्टी ब्रांच आ गया। तो आप इस तरह से आप भी कर सकते हैं। आप भी इसको, अगर वीडियो आप देखते हैं तो आप कोई भी वीडियो देखिएगा तो प्रूनिंग, हार्डली प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग के बारे में बताई हूँ कि कैसे किया जाता है। पिंचिंग भी बताई हूँ कि पिंचिंग कैसे किया जाता है। अगर आपका बहुत छोटा प्लांट है तो भी आप कुछ नहीं कीजिए, पिंचिंग सिर्फ कर दीजिए, तो इसका यही होता है दोस्तों। और धार्मिक रूप से बहुत अच्छा है, आपको समी प्लांट घर में रहना चाहिए। और इसके जो भी आप कलम लगाते हैं, कौन सा मिट्टी में लगाते हैं, तो जैसे देखिए कि मेरा प्लांट है जो एक
तेल का डब्बा था दोस्तों, उसमें मैं किनारे इस तरफ से खोस दी थी ऐसे ही, तो इतना भाग गया। और यहाँ तुलसी प्लांट लगाई थी दोस्तों, अभी भी मैं लगाऊंगी, जैसे इसको अभी हटा दी हूँ, गुड़ाई कर रही हूँ इसमें। तो अगर प्लांट लगाए हैं तो इसको गुड़ाई करना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़मीन का पौधा तो नहीं है दोस्तों। और लोग बोलते हैं कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो नहीं है ज़मीन तो क्या हुआ, आसमान तो है ना, आसमान में भी एक से एक सामान होता है, एक से एक फल उग रहा है, आसमान में ही सारा चीज़ हो रहा है। तो देखिए जैसे मैं गुड़ाई यहाँ कर दी हूँ, इसका मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए दोस्तों, देखिए इस तरह से। तो अभी मैं इसमें कुछ खाद डालूँगी, तो खाद डालने से क्या होता है कि मैं इसको ब्रांच को भगाना चाहती हूँ दोस्तों, लेयर बढ़ाना चाहती हूँ, तो कट करने से क्या होगा, कट करने से तो ब्रांच भागी लेकिन इसमें ग्रोथ और भी ज़्यादा भागना है, और एक महीना पर भोजन देना ज़रूरी रहता है। तो जैसे देख रहे दोस्तों कि यहाँ मैं कुछ नीम खली ली हूँ, और यहाँ मैं जो ली हूँ ये गोबर की खाद है, इसको मैं दो मुट्ठी आज इसमें डालूँगी। तो देखिए नीम खली है, कुछ नीचे की ओर से मैं डाल देती हूँ, और उसके बाद इस तरह से आप गोबर की खाद डाल दीजिए, गुड़ाई करने के बाद आप इसको इस तरह से डाल दीजिए, फिर इसी मिट्टी को इस पर आप इस तरह से ढक दीजिए, और इसमें सिर्फ पानी डालना है। तो इसको पानी डालने के बाद, तो दोस्तों इसको खाद देने के बाद जो भी मिट्टी मैं निकाली थी देखिए इस तरह से, तो इसको फिर मैं ऊपर की ओर से इसको डाल दूँगी। इस तरह से फिर सिर्फ ढक देनी है, अब आप इसको कुछ भी नहीं करना है, बस सुबह शाम इसमें पानी देते ही रहना है। और मैं किनारे के किनारे ही रखी हूँ, क्योंकि मैं इसमें फिर तुलसी प्लांट लगाऊंगी, इसको तुलसी प्लांट पीछे लगा दूंगी, क्योंकि तुलसी असमी प्लांट एक साथ लगाने से बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो मेरे पास तो ऐसे ही लगा रहता है दोस्तों, इसका मदर प्लांट है जो बहुत ऊँचा या बहुत बड़ा हो गया है, जो मैं सबसे ऊपर छत पर रखी हूँ थोड़ा। तो जैसे देख रहे दोस्तों एकदम कोना पर वहाँ पर है, कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, और बहुत ज़्यादा देखिए कितना बड़ा इसमें लेयर है दोस्तों, बहुत लेयर इसमें बहुत बड़ा है, जो मैं अभी ऊपर की ओर नहीं जाऊँगी। तो उसी का ये प्लांट है दोस्तों, उसी में से मैं लगाई थी, और ये भी उतना ही बड़ा उतना ही लंबा होते जा रहा है। तो उसमें तो है कि नीचे से ही ब्रांच बहुत ज़्यादा है, और जब मैं कलम कुछ लंबा ही लगाई थी इसलिए लगाई थी कि नीचे की ओर बहुत ज़्यादा कांटा हो जाता है दोस्तों, तो ये लंबा रहेगा तो ठीक रहेगा, इसीलिए मैं बड़ा थोड़ा दो तीन बित्ता को ही इसमें कलम लगाई थी, इसीलिए इतना लंबा हो गया है। तो दोस्तों समी प्लांट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है घर में, आप भी लगा लीजिए, अगर नहीं है तो नर्सरी से आप लाइए, और एक भी प्लांट आप लगा लीजिए ज़रूर। अब कहा जाता है कि घर के दाहिना साइड निकलते समय समी प्लांट को रखना चाहिए, तो अगर संभव हो दोस्तों तो आप छत पर ही वैसे ही रख लीजिए, अगर आपका दरवाज़ा पर ज़मीन नहीं है तो आप उससे भी रख सकते हैं, क्योंकि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की ज़िंदगी में दरवाज़ा पर जगह मिलता कहाँ है दोस्तों, शहर में आदमी रहता है तो बहुत दिक्कत होता है, और हाँ देहात रहेगा तो आपको वो ज़मीने ज़मीन मिलेगा। तो समी प्लांट ज़रूर लगाइए दोस्तों, बहुत ज़्यादा शुभ होता है, और समी के साथ साथ तुलसी भी लगाइए, मैं भी तुलसी इसमें लगाऊंगी दोस्तों, लेकिन बहुत छोटा भी तुलसी जी है, जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर तुलसी जी है बहुत छोटा भी है, मैं यहाँ से इनको ले जाकर उसमें लगा दूँगी। मेरे पास तो प्लांट ही प्लांट नज़र आएगा दोस्तों, मैं तो हमेशा आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ, और कलम आप अगर काटिए तो फेंकिए मत दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपका पौधा तैयार हो जाएगा। जैसे देखिए कि मैं यहाँ एक आटा का बोरी था उसमें इसको कलम को गाड़ दी थी, और देखिए कितना बड़ा ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों कोई भी चीज़ मेहनत कीजिएगा तो आपका बेकार नहीं जाता है, मैं तो ऐसे ही करते रहती हूँ कि एक से अनेक प्लांट बनाते ही रहती हूँ, मेरे पास प्लांट के खान मिलेगा आपको। तो
आप भी ऐसे ही कीजिए, समी जी को आप ज़रूर ऐड कीजिए। कि कहा जाता है कि शनिचरा ग्रह रहता है उसमें भी अगर समी प्लांट घर में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर वास्तव दोस्त अगर आपके घर में है तो समी प्लांट लगाइए तो भी ठीक होता है, ऐसा मानता है दोस्तों। तो आप एक भी गमला में ही सही, लेकिन आप छोटा सा भी समी जी को आप लगा सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ में आप लगा दीजिएगा तो आपका ग्रोथ भाग जाएगा, बस सिर्फ गोबर खाद, बालू, मिट्टी और थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देकर पानी दे दीजिए, तो ऐसे ही आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। बाय दोस्तों।